आज राष्ट्रकवि गोखले जी का जन्मदिन है, तो मैं इसी से संबंधित जानकारी आपको दूंगी। स्वयं एक कन्नड़ कवि, आवर्तक, नाटककार, विचारक और उपन्यासक थे, जिन्हें 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ कवि के रूप में जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम वास्तव में कुप्पंडी वेंकटप्पा कुट्टप्पा है, लेकिन उनका उपनाम कुवेंपु था। उनका जन्म 29 दिसंबर 1904 को हुआ था। आज उनकी 119वीं जयंती है। कुवेंपु कन्नड़ भाषा के महान लेखक और कवियों में गिने जाते हैं। वे कन्नड़ क्रांति पुरस्कार पाने वाले 7 व्यक्तियों में सबसे पहले थे। उनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा रचित श्री रामायण दर्शनम के लिए उन्हें सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण और कर्नाटक रत्न सहित कई अन्य सम्मान भी प्रदान किए गए। कुवेंपु 89 वर्ष की आयु में भारत के कर्नाटक राज्य में मैसूर में 11 नवंबर 1994 को निधन हो गया। मृत्यु के इतने सालों बाद भी कुवेंपु को अपने समय के सबसे प्रभावशाली कवियों और लेखकों में से एक माना जाता है। धन्यवाद।